दिस प्रोग्राम इज प्रेजेंटेड बाय हमदर्द रेड ब्रश एंड खालिस स्पाइसेस। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मशअलेरा रमज़ान स्पेशल का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो मौजूद है मशहूर और मरूफ आलम दीन सिलसिला चिश्तिया सावरिया के साहिब नस्बत बुज़ुर्ग आलम दीन जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब और आपके हर दिल अजीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद कासमी साहब। आप दोनों साहिबान का प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम। जज़ाकअल्लाह खैर अल्जज़ा फ़िद्दार। नाज़रीन, आप जानते हैं किसी न किसी अहम मौजू पर हम मौलाना साहिबान से रहनुमाई लेते हैं, उसके बाद आपकी कॉल्स को हम शामिल करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम मौजू पर आए, जो आप मेरे साथ रखे हुए प्रोडक्ट्स देख रहे हैं इनके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। तमाम तरह प्रोडक्ट्स हमदर्द के तैयार करता प्रोडक्ट्स हैं। हमदर्द अपने सभी प्रोडक्ट्स जो है वो कुदरती अज़ा से तैयार करता है। रूह अफ़ज़ा से ऐसा कौन सा शख्स है जो वाकिफ़ नहीं है? रूह अफ़ज़ा के मद्देमुकाबिल बहुत कंपनीज़ ने अपने मशरूबात मार्केट में उतारे, लेकिन कोई भी रूह अफ़ज़ा के मद्देमुकाबिल ना ठहर सका। आए और गए, लेकिन रूह अफ़ज़ा राज आज भी कायम और दायम है। अब जो डायबिटिक पेशेंट है उनको देखते हुए हमदर्द ने उनका ख्याल करते हुए अब रूह अफ़ज़ा को शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा भी लॉन्च किया है। दो स्क्वैश आप मेरे साथ रखे हुए देख रहे हैं, लेमन और ऑरेंज, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और मशरूबात हैं अलग अलग फ्लेवर में, जैसे कि शरबत खस है, शरबत संदल, शरबत गुलाब, साथ में रेडिश रखा हुआ है, ये एनर्जी ड्रिंक है। इसी के साथ में आप नारियल पानी रखा हुआ है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ रूह अफ़ज़ा के फ्यूजन टैट्रा पैक के अंदर भी लॉन्च किए गए हैं। ये दो फ्लेवर तो ये हैं जिसमें मैंगो और लीची, इसके अलावा लस्सी और मिल्क शेक भी आप यहाँ रखा हुआ देख सकते हैं, तो आप इनका भी मज़ा ले सकते हैं। साथ में ग्लूकोज डी है जो दो फ्लेवर के अंदर मौजूद है, एक रेगुलर और एक ऑरेंज। ये इंस्टेंट एनर्जी के लिए है, यानी कि फौरी तवानाई के लिए। जैसा मौसम गर्मा है तो कभी कभी हमारे जिस्म से पानी ज़्यादा निकलने की वजह से थकान महसूस होती है, तो उस वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मशरूब है यहाँ पर रखा हुआ, जामे शीरी, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फ्लेवर में भी इसका मज़ा ले सकते हैं। साथ में शहद रखा हुआ देख रहे हैं आप, शहद जो है वो इस्तेमाल करना सुन्नत है। शहद के बारे में कहा भी गया कि जिसने एक महीने में 3 मरतबा शहद का इस्तेमाल किया तो मौलिक के अमराज से दूर रहेगा। अब ये साथ में एक और यहाँ पर मेरे साथ आइटम रखा हुआ है, ये इसबगोल है, इसकी फादियत से आप लोग वाकिफ़ हैं। किस तरह से कब इसका इस्तेमाल करना आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। साथ में ये केसर यानी कि ज़ाफ़रान, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हींग रखा हुआ है और जो किचन की एक अहम ज़रूरत है वो है मस्टर्ड ऑयल, वो भी यहाँ रखा हुआ है, आप उसको भी अपने किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मसाले हैं यहाँ पर रखे हुए, अजवाइन, हल्दी, धनिया, मिर्च और ये सिया मिर्च, ये खालिस स्पाइसेस हैं। और साथ में सिवई रखी हुई है। सिवई का इस्तेमाल रमज़ान और गैर रमज़ान दोनों में किया जाता है, और ख़ास तौर से ईद के दिन तो तरह तरह की डिशेस बनाई जाती हैं। तो हम दर्जा आपके लिए मौसम गर्मा का पूरा ख़जाना तरह तरह के फ्लेवर मशरूबात लेकर का है। इस मरतबा हमदर्द ने आपके लिए पूरे किचन का भी इंतज़ाम किया है, और अब आपके जो किचन के अंदर इन मसालों को या तमाम तरह चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनको इस्तेमाल कीजिए और इनका फ़ायदा उठाइए। नाज़रीन, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। आपको याद होगा हमने शुरू में बताया था आपको कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो था शाबान के आखिरी दिन खुतबा इरशाद फरमाया था, जिसके अंदर कहा था कि रमज़ान के दो प्रोग्राम बताए गए थे। उसके अंदर कहा गया था दिन का रोज़ा रखना और रात का क़याम, क़याम को लोगों की तबीयत पर छोड़ दिया गया था। ख़ास तौर से अब उसी के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि अभी आखिरी अशरा है और इसके अंदर बात होती है रात के क़याम की और ख़ास तौर से शब कद्र की। कहा गया इस आखिरी अशरे में शब कद्र को तलाश करो। हालांकि शब जो शब कद्र है उसके बारे में मुख्तलिफ आ रहा है कि कोई कब कहता है किस वक्त होगी, कोई कहता है किस वक्त, लेकिन एक जो है ज़्यादातर जो सबसे मुझे मिलता है वो यही कि आखिरी अशरे में, और आखिरी अशरे में भी आखिरी ताक रातों के अंदर शब कद्र के बारे में कहा गया, जिसके हमारे बारे में बताया भी था कि ये रात जो है हज़ार महीनों की इबादत से बेहतर है। तो जानते हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से शब कद्र के बारे में। जी मौलाना साहब, शब कद्र की फजीलत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم حضرات, آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک مستقل سورت نازل کی گئی ہے سورۃ القدر کے نام سے. اس میں شب قدر کا ہی بیان ہے اور اس میں اس کو ہزار مہینوں سے بہتر بتایا گیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یعنی ہزار مہینوں تک کوئی آدمی مسلسل عبادت کرے اس کا جتنا اجر ہوگا اتنا اجر اس ایک رات میں آدمی کو عبادت کر کے حاصل ہو جاتا ہے. لیکن یہ رات ہے کب, اس معاملے میں بہت سارے اختلافات ہیں اور یہ خدا پاک کا کچھ الگ نظام ہے کہ جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے اس کو اسی طرح سے چھپا دیا جاتا ہے تاکہ اس کا شوق بڑھے لوگوں میں اور وہ اس کو تلاش میں کوشش کریں. جیسے شب جمعے کے دن کی خاص ساعت ہے, اس کو چھپا دیا گیا. اسم اعظم کون سا نام ہے اس چھپا دیا گیا. اسی طرح سے یہ چیز بھی ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کچھ عطا پتا دیا ہے. جی, جیسے پہلی پوچھتے ہیں نا جی, تو کچھ عطا پتا بتاؤ جی. تو عطا پتا یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان میں ہو گیا عام طور پر, حتیٰ کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تو یہ تک لکھا ہے کہ رمضان کے غیر رمضان میں بھی ہوتی ہے وہ. جی جی, لیکن ایسا بہت کم ہے جی. تو رمضان میں ہوتی ہے اور خاص طور پر اخیر عشرے میں ہوتی ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اخیر عشرے کی طاق راتیں. طاق کا مطلب جو برابر میں برابر تقسیم نہ ہو سکے جی, یعنی 21, 23, 25, 27, 29 جی, ان راتوں میں سے کسی رات کی ہونے کی امید ہے جی. بعض حضرات کو جو دیکھیں گے آپ کتابوں میں بہت سارے تشریح تفسیر حدیث کی شرح حدیث میں, کچھ حضرات نے یہاں تک کہہ دیا قسم کھا کے بھی فلاں تاریخ کو ہی ہے. وہ اصل بات یہ ہے جس کو جس تاریخ میں ملی اس نے یقین سے کہہ دیا کس میں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر ایک کو اسی رات میں ملے گی. کچھ لوگوں نے 21 کے بارے میں بڑے یقین سے کہا ہے کہ 21 شب ہے, کچھ لوگوں نے 27 کے بارے میں, تو بہت ہی زیادہ لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ شب قدر 27 کی ہی ہوتی ہے. حالانکہ ایسا کوئی مقرر نہیں ہے. جس کو جس وقت میں ملی تجربات اس کے کچھ علامات بتائی گئی ہیں جی 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 جی. اس کی علامتوں میں یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ صحیح علامت اس کی کہی گئی ہے وہ شروع میں نہیں پتہ چلتا جی, رات جب گزر چکی جب پتہ چلتا ہے جی. اور اس کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ صبح سویرے جب سورج نکلتا ہے اس رات کے گزرنے کے بعد جی, تو وہ چودھویں کے چاند کی طرح سے بغیر کرنوں کا ہوتا ہے وہ جی جی. تو یہ ایک بڑی پہچان بتائی گئی ہے اس کے بعد میں لوگ, لیکن یہ پتہ چلتا ہے جب وہ رات گزر چکی ہوتی ہے جی. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے, اور چھپانے کا ایک راز بہت سارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کا راز یہی ہے کہ اس کی تلاش میں اور اس کے لالچ میں بہت سارے لوگ جو ہیں بہت ساری راتوں میں جاگ لیں گے جی. اور یہ عجیب خدا پاک نے انتظام رکھا طاق راتیں کہہ کر, ایک رات اس کی تلاش میں کر لو خوب اچھی طرح سے, دوسری رات تھوڑا بہت آرام بھی کر لو اور کچھ پڑھنا وڑھنا بھی کر لو, پھر ایک رات ایسی آئے گی جی. تو یہ اہتمام کرنا چاہیے اور شب قدر کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اس میں خاص اہتمام دعاؤں کا ہونا چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے رسول وہ رات اگر مجھے ملے تو میں کون سی دعا کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی دعا بتائی, آپ حضرات اگر اسے نوٹ کر سکیں یا ریکارڈ کر سکیں تو کر لیجئے. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ رات حاصل ہو تو تم یہ دعا کرنا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اے پروردگار تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے ہی کو پسند بھی کرتا ہے, مجھے بھی معاف فرما دے, میری غلطیوں کو بھی پوری طرح سے بخش دے. یہ دعا خاص طور پر ہے, باقی اس کے علاوہ تلاوت, نماز, استغفار, درود شریف, جو چیز چاہیں پڑھ سکتے ہیں جی. مفتی صاحب, جیسے مولانا صاحب نے بتایا فضیلت کے بارے میں, بڑی تفصیل سے بتایا, ہماری ویسے اس کے بارے میں لگ بھگ 40 اقوال ملتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ کبھی کہیں ہیں, کبھی کسی نے پہلی رمضان کو بھی کہا, 17 رمضان کی جنگ بدر ہوئی تھی اس کا بھی لیا. لیکن جو مولانا صاحب نے بتایا 5 راتیں کم سے کم اس کے اندر, جو یہ 5 راتوں کے بارے میں کہا گیا, اب اس کے اندر ہمارے یہاں جو اس وقت ہمارا جو مزاج ہے نا وہ رائے فرار کا, وہ 5 سے بھی ایک ہی چاہتے ہیں. تو اگر یہ ایک مل گئی ہوتی, ایک ہی فکس کر دی گئی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو کیوں ایک فکس نہ کی گئی؟ تھوڑا سا اس کے بارے دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں اس بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے, دیکھا دو لوگوں میں آپس میں لڑائی ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پھر اسی بات کو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعین اسی وجہ سے اٹھا لی کہ دو شخصوں میں اس دن لڑائی ہو رہی تھی, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ناقدری ہو جائے, ہم اپنے لفظوں میں کہہ لیں کہ اس کی ناقدری ہو جائے. اس لیے باوجود معلوم ہونے کے کہ آج شب قدر ہے,
कितने लोग ऐसे हैं कि वो गुनाहों के इतने आदि हो चुके फिर भी जो है इस तरह के गुनाहों के अंदर मुलव्वस रहेंगे, तो वो ज़्यादा इताब के जो है मुस्तहिक बनेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से वो ज़्यादा आदाब का मामला उनके ऊपर होगा, तो इसलिए इसको पोशीदा कर दिया गया। दूसरे ये भी है कि सिर्फ एक रात पर इक्तफा ना करके बैठ जाएँ, मुख्तलिफ रातों में आदमी इस बहाने से जाग लेता है, ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ इबादतें कर लेता है, तो उस एतबार से इसके तायीन को उठा लिया गया। अभी एक काफ़ी दिनों से बल्कि पूरे रमज़ान से एक वो चल रहा है इमाम अब्दुर्रहमान सुदेस की तरफ से है, वो मतलब बताया जा रहा है, अल्लाह जाने उसकी हकीकत क्या है कि आपकी तरफ से है या नहीं है, लेकिन बहरहाल व्हाट्सअप पर फेसबुक पर बहुत ज़्यादा चल रहा और वो एक तरह से सही भी लगता है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है कि आदमी अगर कुछ नहीं कर सकता तो ये रातें तो जागे, लेकिन शुरू रमज़ान से अगर रमज़ान तक रोज़मर्रा ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक आध रुपया सदका कर दिया करें, रोज़मर्रा रात में कम से कम ईशा के बाद दो नफिल पढ़ करके सो जाया करें, थोड़ा सा जिक्र अजकार कर लिया करें और कुछ इस तरह के भलाई के काम रोज़मर्रा कर ले हर रात में, ताकि अगर वो शब कदर हो तो ये हज़ार रातों के बराबर उसका सवाब मिल जाए। यानी खसूसी तौर पर तो ताक रातों में इबादत करे जागे, लेकिन पूरे रमज़ान की हर रात में कुछ थोड़ा थोड़ा इस तरह का अमल कर ले ताकि आखिर में हमें जा करके जो है उसका मामला मिल जाए। साहब जैसे ये ईशा के बाद ही होती है, जाहिर सी बात है मगरिब के बाद रात शुरू हो गई जी रोज़ा की उसके, तो उस वक्त जो इंसान तरावी में शामिल है या वो तमाम तरह चीज़ें, तो ये भी उसी इबादत उसी रात के इबादत में। बिल्कुल, देखिए रात जो शुरू होती है वो सूरज डूबने के बाद से रात शुरू हो जाती है और सुबह सादिक होने तक रात बाकी रहती है, तो पूरी रात में जो भी अमल किया, चाहे तरावी पढ़ी, दीगर नवाफिल पढ़ी, कुरान करीम की तिलावत की, किसी ने मगरिब के बाद सूरह वाकिया पढ़ी, ईशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ी जो अक्सर मामूलात में शामिल रहता है, या रात को सोने के वक्त के जो जिक्र अजकार किए, इसके अलावा किसी और ने इजाफी अमल किया, वो तमाम का तमाम उस रात में जो भी किया होगा इंशाअल्लाह ताला वो सब उसी में शुमार होगा और उसका सवाब इतना बढ़कर मिलेगा। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैं काम वो कर रहा था तो एक कॉलर ने फ़ोन किया था, तो उसने मुझे बताया यहाँ पर कि उसने रात में एक रात में इसी आखिरी अशरे में आसमान में कुछ खुला आसमान था, उसने तारों में कुछ हलचल देखी, तारे इधर से उठे इधर चले गए इस तरह की, तो क्या इस तरह की भी कोई निशानियाँ मिलती हैं इधर से, उसमें मूवमेंट देखा कुछ पूरे झुरमुट में इस तरह से, तो उन्होंने मुफ्ती साहब ने बाद में बताया उसको, और मुफ्ती साहब बैठे थे यहाँ पर लास्ट, उसमें बोले आज नहीं बता रहा क्या चीज़ है, तो बता रहे वो शब कदर की रात की। असल में इस तरह के वाकयात मिलते हैं, बल्कि वाकयात में इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, हदीस में तो इस तरह की निशानियाँ इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन वाकयात में मिलती हैं, अपने अपने हिसाब से, किसी ने देखा कि रात में अचानक से एकदम रोशनी फैल गई और कुछ इस तरह का मामला हुआ, किसी ने कुछ, ये अपने अपने तजुर्बात हैं या वाकयात हैं, इनको हम दलील तो नहीं बना सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि हो सकता है कि ये तमाम निशानियाँ मौजूद हों, और जैसा कि हज़रत ने अभी फरमाया था कि सबसे बड़ी निशानी जो आम तौर से बयान की जाती है यही है कि सुबह को जो है जो सूरज निकलता है वो बिना किरणों के निकलता है, एक अलामत ये भी बताई गई कि समंदर का पानी उस दिन जो है मीठा, हाँ, एक साहबी से ये भी मनकूल है, एक साहबी से ये भी मनकूल है कि समंदर का पानी खारा नहीं रहता, और भी बहुत सारी अलामतें इस तरह की गिनवाई गई हैं, लेकिन असल बात यह है कि हमें अलामतों में नहीं पढ़ना, हमें तो एक अलामत हदीस में भी बताई गई, ला हारतुं वला कारतुं, वो रात ना बहुत ज्यादा गर्म होती है ना बहुत ज्यादा ठंडी होती है, मौसम कोई भी हो लेकिन ठंडक का ठंडा मौसम है तो बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होगी और गर्म मौसम है तो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगी। वैसे इस बात का एहसास, अब मैं बताऊँ आपको, कई मरतबा हो जाता है इस बात का एहसास इस मौसम का, वो रात में जैसे मैं कई मरतबा कई रमजान में मैंने देखा कि एहसास हुआ कि, लेकिन ये नहीं था वो फिक्स हुआ जी, लेकिन लोगों का ज़्यादातर एक तरह से इजमा तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर सहाबा का जो वो कहते हैं वो ज़्यादा 27 तारीख के बारे में कहते हैं, 27 तारीख में ज़्यादातर 27 तारीख में जो हमने एक बना लिया, बल्कि शब कदर नाम ही रख दिया उसका, हाँ। शब कदर की रात नाम रख दिया अपने इलाके में, इंडिया में, साउथ में और मुंबई वगैरह में, महाराष्ट्र में, इन इलाकों में तो ऐसा है कि इस रात का शब कदर नाम रख दिया, और बाकायदा अभी कुछ दिन पहले मैंने अखबार के अंदर भी पढ़ा था, मोबाइल पर भी उसका तराशा आया था कि बाकायदा फिक्स करके उन्होंने मीटिंग की, और मीटिंग करके मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि आपके फला तारीख में शब कदर रहेगी। मैंने कहा इनके पास कहाँ सा इल्म गायब आ गया, अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहरहाल ये तो देखो लोगों की अपनी वो है, और ये समझ लें कि बस 27 की ज़्यादा अहमियत वैसे तो है, उससे इनकार नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी लोगों ने बना दी। असल तो यही है कि कम से कम अगर हम पूरे महीने नहीं कर सकते तो आखिरी आशरे की ताक रातों में ज़्यादा नहीं घंटा दो घंटा कुछ वक्त भाई कुछ इजाफी मामला हम कर लें तो वो
एक बात और अजीब ये है कि जो बाकायदा शब कदर जिस रात को मना लिया जाता है उस दिन नाकदरी भी ज़्यादा होती है। ये तो हकीकत है, चूँकि कहीं आपस में गुफ्तगू एक दूसरे की गीबत कहीं वो समझ लगे पूरे रात जागना है, और पूरे रात जागने के चक्कर में जो गुनाह होते हैं वो ना जागने वालों से। वैसे इसमें तनहाई बेहतर है मैं तो ये कहूँगा, और इसके जिन लोगों को अगर एहसास भी हो जाए तो उस वक्त क्या करें इसके बारे में जानेंगे। दो कॉलर शामिल कर लेते हैं, तस्लीम साहिबा हैं और शरीफ साहब हैं हमारे साथ। मोहम्मद शरीफ साहब थोड़ा सा इंतजार, पहले तस्लीम साहिबा से मुखातिब है, फरमाइएगा क्या सवाल है तस्लीम साहिबा आपका। हेलो जी फरमाइए मुहतरमा। हमारा सवाल है जो शबे कदर का नियत क्या बांधना है और कितना रकात पढ़ना है, और दूसरा सवाल है जो ये जो तहजुद भी पढ़ सकते हैं उसके साथ। तहजुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। शरीफ साहब फरमाइए आपका क्या सवाल है। मोहम्मद शरीफ साहब लाइन पर हैं आप, शायद रब्ता मुनक़ता हो गया। जी मौलाना साहब शब कदर की नियत और ज़कात, देखिए उसकी कोई नियत नहीं होती है, वो तो तलाश कीजिए और जब आपको ये महसूस हो कि यहाँ कोई ख़ास बात है, उसकी अलामतें जो हैं उनमें से एक अलामत ये भी है कि दिल लगता ज़्यादा है। जी 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 हाँ, तो जब हमें महसूस हो कि ये इस रात में हमारा दिल ज़्यादा लग रहा है तो इधर उधर की बातों को छोड़ दीजिए, कोई आया है कोई बात करना चाहता है भाई अब बाद में बात करेंगे, उस तरफ पूरी लगन से इबादत में लग जाइए, उसके लिए कोई नियत नहीं है। इसी तरह से तहज्जुद या जो भी कुछ हो, तहज्जुद की जितनी रकात आपको पढ़नी है वो पढ़ लीजिए, मजीद पढ़ लीजिए। हम जो तरावी पढ़ते हैं वो भी उस रात की जो तरावी होगी वो भी रात की उस रात की इबादत में शुमार होगी। ईशा की नमाज है, तिलावत है, जैसा भी मुफ्ती साहब ने बताया जो मामूलात हैं हमारे, सूरह मुल्क है, कुछ और चीज़ पढ़ना है, वो सारी शब कदर की इबादत में शुमार होगी। और उसमें बस इतना है कि जब हमें थोड़ा सा भी एहसास हो जाए, जो अलामतें अभी बताई गई हैं उनमें से कोई चीज़ हमें महसूस हो तो उसका ज़्यादा अहतमाम किया जाए, दूसरी चीज़ों की दिलचस्पी कम कर दी जाए। जी एक और कॉलर है हमारे साथ, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं, नाम बताइए, सवाल बयान कीजिए। जी अपना नाम बताइए। जी महक मेरा नाम है, मेरे एक सवाल है। जी फरमाइए। जी मेरे मुझे पूछना है कि टेस्ट में शबे कदर में क्या कौन क्या क्या पढ़ा जाता है, बताइए जी मुफ्ती साहब। 23वीं शबे कदर में देखिए 23वीं हो या कोई और सी हो, शबे कदर को फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल ये है कि उसकी तलाश के लिए क्या क्या पढ़ा जाए तो ये भी मुतय्यन नहीं है। इबादत में नमाज़ें पढ़ें, हम नवाफिल वगैरह कुरान करीम की तिलावत करें, या इसी तरीके से हम जिक्र अज़कार करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगें, सदका करें, अल्लाह की राह में कुछ खर्च करें, ये तमाम की तमाम चीज़ें उसी में शामिल हैं। कोई भी इबादत कर सकते हैं या थोड़ी थोड़ी सब कर सकते हैं, जैसा मौका हो जैसे हालात हो, या जिस इबादत में ज़्यादा दिल लगे, बाद लोगों को कुरान की तिलावत में ज़्यादा मज़ा आता दिल लगता तो वो कुरान की तिलावत कर ले, किसी को नवाफिल में ज़्यादा सुकून मिलता है वो नवाफिल पढ़ ले, किसी को जिक्र अज़कार में ज़्यादा दिल लगता है तो वो कर ले, या थोड़ा थोड़ा कर ले, जैसा मौका अपने हिसाब से कुछ भी कर ले, बस गुनाह से ख़ास तौर से इन रातों में बच ले, सबसे अहम बात यह है। अफशा नाज़ है हमारे साथ, फरमाइए क्या सवाल है आपका। मैं मौलाना साहब से जानना चाहती हूँ शबे कदर में जो नफिल पढ़े जाते हैं, जो पाकिस्तानी पंसूरे में या नफिल नमाज रोजा किताब में पढ़े लिखे रहते हैं, क्या वो पढ़े जा सकते हैं, सही होते हैं वो नफिल? और दूसरा सवाल मेरा ये है, तहज्जुद की नमाज में बहुत सी जगह ऐसे लिखा हुआ रहता है कि कुल अल्लाह 12 दफे पढ़ो, फिर 11 दफे पढ़ो, फिर 10 दफे पढ़ो, या कोई सी भी सूरत पढ़ लो, कौन सा तरीका इनमें से सही है? ठीक है, ये पाकिस्तानी पंसूरे में कौन सा नफिल लिखा हो ये बताते दीजिए। हाँ मैं बता, अच्छा आपको मालूम है? मुझे मालूम, चलिए आप बताइए फिर। असल में ये लिखा है और इसका बहुत ज्यादा अहतमाम भी करते हैं, हालांकि बिल्कुल मन घड़ा था कि 4 रकात नमाज पढ़ ली जाए इस नियत से कि मेरी जितनी भी नमाजें छुटी हैं अब तक वो तमाम के तमाम की तरफ से वो 4 रकात अदा कर ली जाए, तो पूरी ज़िंदगी की नमाजों के का कफ़ारा हो जाता है वो। इसी तरीके से एक नमाज ये है, सूफिया इकराम ने लिखी है ये चीज़, सारी उम्र के कज़ा नमाजों का कफ़ारा बन जाता है। अच्छा, इसमें भी बड़ा अजीब मामला है, बाज़ लोग वो हैं कि जो कज़ा का बिल्कुल ही इनकार कर बैठे और किसी ने 4 रकात में समेट दिया, हालांकि एतदाल इस्लाम में है, इन चीज़ों की कोई हकीकत नहीं है। एक बात याद रखिए कि इस तरह के जितने भी ये नमाजें या कोई भी चीज़ है ये सब अपनी मन घड़त है,
हदीस से, कुरान से, सहाबा के अमल से कोई इस तरह की चीज़ें साबित नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर बुज़ुर्गों से हमें मिलता है कि कम से कम सलात तौबा पढ़ लें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। तो ये भी कुरान या हदीस से बाकायदा नहीं है कि इस रात में ये करना, बुज़ुर्गों के मामूलात में मिलता है या बुज़ुर्गों से ये हिदायत मिलती है आम लोगों के लिए, चूँकि वैसे ज़्यादा वो नहीं होता, तो इस रात में कम से कम सलात तौबा पढ़ कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें और बाकी जो चाहे इबादत कर लें तो कर लें। फ़िक्स कोई इबादत नहीं है, फ़िक्स कोई तिलावत नहीं है और फ़िक्स कोई नमाज के अंदर भी सूरतें नहीं हैं, जो चाहे वो पढ़ें। अच्छा, ये कुछ ये शायद किसी बुज़ुर्गों का किसी का ये तजर्बा शायद मैं खास पहली रकात में 12 तहज्जुद की नमाज में फिर 11 फिर 10 कोई अपने। हाँ, ये बहुत सारे बुज़ुर्गों के मामूलात में है ये, ऐसे कोई शरीयत का हुक्म नहीं है। हाँ, तो इसको करने में कोई मज़ाकत में नहीं है इसमें, अगर इस तरह से कर ले। हाँ, ज़रूरी ना समझते हुए। हाँ, कि इस रात के लिए ज़रूरी है ये ना समझते हुए कि हाँ कोई बेहतर अमल इस तरह करते हुए कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मज़ाक नहीं है। बहरहाल, रोशन और हुमा साहिबा दो कॉलर हमारे साथ हैं। रोशन फरमाइए, क्या सवाल है आपका? रोशन साहिबा सवाल बयान कीजिए। रोशन साहिबा लाइन पर हैं आप, अगर मेरी आवाज़ आ रही है मिल रही है आपको तो सवाल बयान कीजिए। वालेकुम सलाम मोहतरमा, टीवी की आवाज़ बंद कीजिए और फ़ोन से बात कीजिए। जी फरमाइए। अरे वालेकुम सलाम मोहतरमा, सवाल बयान कीजिए। आप टीवी सुनिए, हम हुमा साहिबा से बात के मुखातिब हैं। फरमाइए हुमा साहिबा, क्या सवाल है आपका? जी, हेलो, सलाम तुम, ये जो दो इनका क्या है, इनसे कैसे हो रहा है? जम्मू में अलग अलग हो रहा है, आज जो 23 तारीख है वो वहाँ हो चुकी क्या? ठीक है, अलग अलग जी। देखिए असल बात यह है कि जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ के कुछ हिस्से में चांद वाकईतन नज़र आया है, जो शहादतें वहाँ मिली हैं और उसी के मुताबिक ऐलान हुआ है। तो जिन लोगों ने उधर के एतबार से उसको मान लिया, उन्होंने पहले रोज़ा रख लिया। जो इंडिया वालों के साथ और जो है, क्योंकि इधर तो इंडिया में तो कहीं भी चांद नज़र नहीं आया था ना कहीं इस तरह का मामला था, तो उन लोगों ने जो है इनके साथ रोज़ा रखा है, तो इसलिए वो इख्तिलाफ़ हो रहा है कश्मीर में। वैसे कश्मीर वाले ज़्यादातर अमल उधर से ही करते हैं, उन्हीं के साथ चलते हैं इस तरह के दीन के मामलात में, लेकिन इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो माहिर फलकियात हैं, यानी जो चांद वगैरह की इसकी महक्क़िक हैं, वो भी उनकी तरफ से भी ये इत्तिला थी अब के पड़ोसी मुल्क में एक दिन पहले हो सकता है, तो उस एतबार से अगर वहाँ पहले हो गया है कुछ लोगों ने उनके मुताबिक अमल कर लिया, तो इसमें कन्फ्यूज़ ना हो। बहरहाल, इंशाल्लाह ईद सबके साथ में ही होगी। नदीम साहब और मोहम्मद अमजद साहब दो कॉलर हमारे साथ हैं। नदीम साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? हाँ, घर में बहुत वाका है हजरत, अब बहुत परेशानी है। क्या परेशानी है आपको? आपको खर्च खर्च जाए परेशानी है, घर में तो निमज नहीं है, सोना नहीं है, नींद आता नहीं है रात हो या तो। नमाज पढ़ते हैं आप? बहुत, हाँ नमाज पढ़ते हैं। अमजद साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना, मेरा दो सवाल है। अब एक आदमी हमारा एक ऐसा दोस्त है, वो उसके पास कुछ माल मत्ता कुछ सोना चांदी कुछ भी नहीं है, वो अब वो तो ज़कात से क्या दे सकता है क्या? उसके पास जमीन वगैरह कुछ है अपने मकान के अलावा कुछ, या तिजारत क्या करता, क्या है वो काम, क्या है कोई तिजारत है जी? क्या काम करते हैं वो? वो सब्जी बेचता है। ठीक, सब्जी बेचता है। और दूसरा मेरा सवाल क्या करता जी? हाँ, हमारा एक दोस्त है ना, और वो ने पहले बोली से चीटी बोली का चला के था, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान में बहुत बड़ी परेशानी में है। आदमी कुछ खरीद 2.5 लाख रुपए ऊपर देना है, वो अब वो कैसा देना है उन्हें? उन्हें बोल रहा है मेरे को, मैं थोड़ा थोड़ा उनको 50,000 देने की जगह 30,000 दे दूंगा, 25,000 दे दूंगा, उनको बोल के माफी करा लूंगा, ऐसा मेरी हालत नहीं है देने के लिए। फिर कैसा बोल रहा है, उन्हें दे सकता क्या? सर क्या चलाते थे, क्या देने का है? वो पैसे का बोली बोली पुकार के वो चिट्ठी चलाता है, चिट्ठी का दोस्त। अच्छा, कमेटी वगैरह, कमेटी जो बोली वाली हो। हाँ, वो चलाते जी।
ठीक है ठीक है जी मुफ्ती साहब, कमेटी वगैरह का मसला इनका। देखिए कमेटी वगैरह के ताल्लुक से तो मैं एक बात कहूँगा कि ये बोली वाली जो कमेटी होती है ये जायज़ नहीं है, बिल्कुल हराम है, सूद का मामला है और इसमें आम तौर से आदमी फंसता ही है, तो इसलिए इसमें बिल्कुल कतान शामिल नहीं होना चाहिए। बहरहाल उसने अगर ये गलती की है और उसने अगर कमेटी अदा नहीं की या कुछ इस तरह का हो गया है और उसे एहसास है और वो थोड़ा थोड़ा करके देना चाहता है तो उसको करना चाहिए, ये तौबा इस्तिग़फ़ार भी करनी चाहिए और जिन जिन लोगों का उसने इस तरह का मामला किया है जिन जिन लोगों के साथ उनसे भी कह दे कि भाई मैं इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों का अदा कर दूंगा, अल्लाह से भी माफ़ी मांग लें, उनसे भी माफ़ी मांग लें, इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई बात नहीं है। ये एहसास होना ये भी अल्लाह की एक बड़ी नियामत है, इसका शुक्र अदा करें और जिसका भी है थोड़ा 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 करके अदा कर दें, इंशाल्लाह परेशानी से क़यामत की बच जाएंगे। जी मुफ्ती साहब, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये होता है कमेटी के अंदर जिन्होंने पैसे पहले उठा लिए और चले गए वो नहीं दे रहे, कर्जदार तो ये बनाना। वो देखिए इसमें सूदी मामला होता पूरा, इसीलिए इसको जायज़ बोली वाली जो है खास तौर पर वो गलत नहीं, बोली वाली की मामला मतलब कहा है तो ये जायज़ नहीं है बिल्कुल। तो इसके लिए भी जो बोली में हमें ज़्यादा मिला है उसमें भी ये है कि जो हमें अगर ज़्यादा मिला है और हमें अब एहसास हो रहा है तो जिन जिन जो लोग कमेटी में शामिल थे या जिनकी हमें मालूम है कि भाई फलाने कम रेट में जो है कम में उठाई थी और उसके पैसे हमारी तरफ इतने आ गए तो उसको अदा कर दें इस तरीके से, या अगर बावजूद कोशिश के मिलता नहीं है ज़्यादा पुराना मामला हो गया तो उसने उतने पैसे उसकी तरफ से सदका कर दें। ठीक है समान साहब, परेशानी और कर्ज़ वगैरह के बारे में बता रहे थे। देखिए कर्ज़ के लिए कई दुआएं हैं, एक तो कुरान मजीद की तीसरे पारे में कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क पूरी आयत जो है ये पढ़ें और दुआ करें, इसी तरह से हदीस शरीफ में एक छोटी सी दुआ आती है अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिक अन हरामिक व अग्निना बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक, अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिक अन हरामिक व अग्निना बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक, फजर की नमाज़ के बाद ईशा की नमाज़ के बाद कम से कम 21 मरतबा पढ़ कर अल्लाह ताला से दुआ करें। हदीस शरीफ में आता है कि अगर सबीर पहाड़ के बराबर भी कर्जा होगा तो वो अदा हो जाएगा। जी अच्छा, सोना चांदी इनके पास जो ज़मीन वगैरह कुछ नहीं, सब्ज़ी बेचे गुजारा करते हैं, ज़कात तो इन पर नहीं? वो तो अगर सब्ज़ी बेचने वाले ही के पास अगर पैसा जमा हो गया बकदर निसाब और उसके ऊपर साल गुजर गया तो उसके ऊपर ज़कात आ जाएगी, वरना ऐसी हालात। हाँ, इससे ताल्लुक़ नहीं है क्या बेचता है, क्या कारोबार है, उसकी बचत, अगर सब्जी वाला भी बहुत दौलतमंद हो सकता है जी जी, तो बचत से ताल्लुक है, क्या कारोबार करता है इससे कोई ताल्लुक नहीं। हमारे यहाँ एक चीज़ है जहनों में कहीं ना कहीं है कि सोना और चांदी पर ही ज़कात है, बाकी चीज़ पर ज़कात नहीं जी। नहीं असल में ये तो इसलिए पूछा गया था ये क्या करता है, क्योंकि वो कह रहा है सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। हाँ, तो हो सकता है कुछ माले तिजारत हो। हाँ, तो सब्जी का इतना माले तिजारत भी नहीं होता जी, तो इसलिए ऐसा लगता है कि ज़कात उनके ऊपर नहीं है। अगर उनके पास कुछ नकदी है तो हजरत ने जैसे फरमाया उसे गौर कर लेना चाहिए कितनी। रोशन और नफीस दो कॉलर हमारे साथ हैं। रोशन फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अरे ये बड़े बड़े सोसाइटी में फकीर लोग नहीं आते, क्या नहीं आते? हमने मदरसे से चंदा पेटी लाकर इसमें रोज 20 रुपए 50 रुपए ऐसा सबका डालते रहते, ये जाएगी ना? ठीक है नफीस साहब, फरमाइए क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बाका इंतकाल हो गया हमारे, 3 रूमा है, फिर और एक रूम बना सकते उसकी ज़मीन है, अब उसमें से हम लगा 4 बहने हैं, उसमें से हिस्सा भी हो बल के बोले थे हमारे अब्बा जब इंतकाल हो गया था, अब्बा का उससे पहले से बोले थे, तब हमारे भाइयाँ हिस्सा देने से गुस्से में आ रहे, लड़ाई करते, कभी कुछ बोल रहे कभी कुछ बोल रहे। और दूसरा सवाल ये है कि मेरा कुरान पढ़ने में कोई नहीं आता मगर ख्वाहिश बहुत है मेरे को पढ़ने की, तो क्या पढ़ सकती हूँ मैं उसके अंदर? कुरान पढ़ना नहीं आता आपको? जी हाँ। तो आप क्या पढ़ सकते हैं? ठीक है मुझे कमेटी का क्या मसला हो, क्या पढ़ना चाहिए? ठीक है ठीक, कमेटी का तो बतला ही दिया। नहीं नहीं वो कह रहे हैं वो आते हैं और 10-10, 20-20 रुपये डाल देते हैं वहाँ, बड़े लोग तो इस तरह से जो सोसाइटीज होती है उसमें तो नहीं जाते, बजाय फकीर नहीं आते ये कहा। हाँ हाँ जी। नहीं नहीं वो कमेटी का नहीं है, इन्होंने कहा है कि सफीर लोग आते हैं। हाँ हाँ। या इस तरह के लोग आते हैं तो उन्हें जो है इस तरह 10-10, 20-20 रुपये दे देते हैं। तो इस बारे में देखिए एक बात याद रखिए कि जिन मदरसों की तहकीक है कि जिनमें मालूम हैं आप अच्छी तरह तहकीक कर लें कि वहाँ बाहर के तलबा हैं और मुस्तहिक ज़कात बच्चे हैं, तो फिर वहाँ तो आप ज़कात और सदक़ा दे दें और बाकी को आप सिर्फ नफली सदक़ात में से दे दें, ज़कात में से ना दें जिनकी तहकीक ना हो। जी मेरे पास सवाल जमा है मौलाना साहब,
उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि भाई जो है हिस्सा नहीं दे रहा है और कुरान पढ़ना नहीं आता तो क्या पढ़े। देखिए कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता है तो जितनी सूरतें आयत याद हैं पारा अम की उनको बार बार पढ़ते रहें, उससे भी वही सवाब मिलेगा जो कुरान शरीफ पढ़ने का होता है। और भाई हिस्सा नहीं दे रहे हैं तो ये एक आम बीमारी है, और एक कहावत है फारसी की कि इन्नल अरबी में कहते हैं इन्नल बलियत इज़ा अम्मत ताबत, बला जब आम होती है तो हल्की हो जाती है, मर्गे अम्बोह जश्न दारत, जब सभी लोग परेशान हैं तो हम भी उनमें से ही, तो सब्र कीजिए। इस वक्त हमारे मुल्क का हाल यह है कि जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके कब्ज़े में जायदाद और सब कुछ आ गया वो दबा के बैठ गया। लेकिन उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि क़्यामत में इस बात का जवाब एक एक पैसे का हिसाब देना होगा उनको। और कुरान मजीद में वसीयत के जहाँ अहकाम बयान किए गए हैं सूरह निसा में, उसके अखीर में अल्लाह ताला ने फरमाया तिलका हुदूदुल्लाह, ये खुदा पाक की बनाई हुई सरहदें हैं, इनको पार ना करना, जो हमने बता दिया है इसका इतना और इसका इतना वो उसको लाजिमन देना, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होता है। इसलिए इनको तो नरमी से मुतालबा करते रहना चाहिए और अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए। लेकिन वो सुन रहे होंगे वो लोग भी कोई ना कोई जो किसी न किसी का हक दबाए हुए हैं, उनको भी समझना चाहिए कि खुदा पाक के यहाँ जवाब देना होगा, और वो जवाबदेही का दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। किसी के 2 साल बाकी हैं, किसी के 10 साल बाकी हैं, किसी के 20 साल बाकी हैं, उसके बाद मरकर खुदा पाक की बारगाह में हाजिर होना होगा और एक एक पाई का हिसाब देना होगा। इसलिए जो कोई किसी का माल दबाए बैठा है वो खुदा का खौफ करे, उसका हिस्सा उसे पहुँचाए। और जाहिर सी बात है लोग क़यामत की बात कर रहे हैं, जो तो जब आदमी ख़त्म हो गया उसकी क़यामत जब से शुरू हो गई। माता फ़कत क़यामत क़यामत हो, जो मर गया उसकी क़यामत कायम हो गई। जी दो कॉलर हमारे पास है, फरदाना साहिबा है और नूरुल अमीन हमारे साथ है। थोड़ा सा इंतज़ार, पहले एक बार आपको जो मेरे साथ रखे हुए प्रोडक्ट्स देख रहे हैं इनके बारे में जानकारी दे दूँ। तमाम तर प्रोडक्ट्स जो है वो हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं, और रूह अफजा साहब सभी लोग वाकिफ़ हैं। अब हमदर्द ने जो डायबिटिक पेशेंट हैं शुगर के मरीज़, उनका ख्याल करते हुए शुगर फ्री रूह अफजा लॉन्च कर दिया है, तो वो भी अब इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। 2 स्क्वैश मेरे साथ लेमन और ऑरेंज, आप इनका भी मज़ा ले सकते हैं। कुछ और मशरूबात हैं कुछ और फ्लेवर में, शरबत खस, शरबत संदल और शरबत गुलाब, तो ये कुछ मशरूबात इस फ्लेवर में है। और जाम श्री है तो इनका भी मज़ा ले सकते हैं। साथ में रखा हुआ आप रेड ड्रश देख रहे हैं, ये एनर्जी ड्रिंक है, और नारियल पानी है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ रूह अफज़ा के फ्यूजन टेट्रा पैक के अंदर लॉन्च किए गए हैं, जैसे लीची मैंगो, और साथ में लस्सी और मिल्क शेक भी आप रखा हुआ देख सकते हैं। इधर आप देख रहे हैं मेरे साथ रखा हुआ सब गोल है, इसकी फाजियत से आप लोग वाकिफ ही हैं। साथ में ग्लूकोज डी 2 फ्लेवर के अंदर है, ऑरेंज और रेगुलर, ये इंस्टेंट एनर्जी के लिए, तो इसको भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साथ में ज़ाफ़रान है, ये किचन का आइटम है, कुछ ज़ाफ़रान यानी कि केसर यानी कि ज़ाफ़रान, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। हींग रखा हुआ है, हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और किचन की अहम ज़रूरत मस्टर्ड ऑयल, वो भी है, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में कुछ ये मसाले हैं हमारे पास रखे हुए, अजवाइन, हल्दी, धनिया, मिर्च, और ये सिया मिर्च है, ये खालिस स्पाइसीज हैं, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिवई आप रखे हुए देख रहे हैं मेरे साथ रखी हुई, सिवई का इस्तेमाल कीजिए, इनका होता भी इस्तेमाल है, रमज़ान गैर रमज़ान दोनों में होता है, रमज़ान में कुछ ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ जाता है, और ईद के दिन तो सबसे ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता है, बगैर इसके तो ईद को हमारे यहाँ अधूरा ही समझा जाता है। तरह तरह की डिशेज बनाई जाती हैं। शहद और है रखा हुआ, शहद खाना सुन्नत है, तो इस वक्त हमदर्द ने पूरे मौसम गर्मा के आपका इंतज़ाम कर दिया, तरह तरह के फ्लेवर मशरूबात लॉन्च किए गए हैं, और साथ में किचन का भी भरपूर इंतज़ाम किया गया है, तो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए और फ़ायदा उठाइए। अब दो कॉलर फरजाना और नूरुल अमीन, उनसे मुखातिब है। पहले फरजाना साहब आप फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। मुफ्ती साहब से मेरी 2 सवाल है जी। आपसे मुकता हो गया नूर अमीन साहब, फरमाइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, मुफ्ती साहब को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, जब आपने अस्सलाम वालेकुम कर लिया तो सबके लिए हो गया, इसमें मुफ्ती साहब भी आ गए, सब आ गए, अलग से खुसूसी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मेरे मुफ्ती साहब, मेरे 2 सवाल जी फरमाइए। हमारे फैमिली में, हालांकि मैंने थोड़ा तबलीग सुना था, वक्त लगा था और बड़ों से सुना था और नुमावसी भी सुना था कि बर्थडे मनाना हराम है। आपको मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या बर्थडे जायज है या ना जायज? और मेरे रिश्तेदारों को मैंने बताया कि बर्थडे मनाना जायज नहीं है,
तो वो बोलते हैं कि जिस दिन बर्थडे हुआ तो करते थे उस दिन हम नाच होके दो रकात नमाज पढ़ते और फिर बाद में केक काटते, तो उसमें बुरा क्या है। मैं हालांकि लंदन में भी बहुत सालों से रहता हूँ, इंडिया आया हूँ, तो मैं यहाँ पर ये थोड़ा देखा। और दूसरा सवाल है मेरा कि मेरा भांजा है, उसको डायलिसिस किडनी का प्रॉब्लम आ गया, तो उसकी किडनी दोनों खराब हो गई, तो उसकी बीवी हमारे भांजे की वो उसको किडनी दे रही है, तो उसका अजर क्या है वो जरा आप बताइए। जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती साहब, बर्थडे, देखिए बर्थडे के बारे में अक्सर तो राय यही है कि ये जायज़ नहीं है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हु, क्योंकि ये ख़ास कौम की मुशाबहत है, अगरचे अब तो आम हो गया, ख़ास कौम का नहीं रहा। तो ज़्यादातर राय तो यही है, लेकिन बाज़ लोग इसमें गुंजाइश ये निकालते हैं कि ये बिल्कुल नाजायज़ या हराम तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक गलत रस्म है। हर हाल में तमाम उलमा इस बात पर तो मुत्तफ़िक़ हैं कि इससे बचना चाहिए। तो बहरहाल ये ठीक है कि इसमें कोई हरज नहीं है कि दो रकात नमाज नफिल पढ़ करके अल्लाह से मांगा जाए और फिर जो है केक काट लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये खुसूसी तौर पर इसी दिन क्यों, ये तो हम कभी भी जो है दो रकात नमाज महफिल पढ़ के उम्र में बरकत की दुआ कर सकते हैं या कोई और कर सकते हैं। बल्कि असल तो ये है कि एक ईंट और गिर गई दीवार हयात से, नादान कह रहा है कि नया साल मुबारक, तो यहाँ बर्थडे मुबारक हम कह लें। तो असल तो ये है कि ज़िंदगी का हमारा एक साल कम होता है और हम समझते हैं कि एक साल बढ़ गया और हम जो है खुशियाँ मनाते हैं। असल तो मुहासबे का दिन होता है कि हम इतने साल के हो गए, इतनी उम्र हमारी हो गई, हमने किया क्या है, ये पूरा साल हमने गुजार दिया अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक, गुजारा या नहीं गुजारा। असल तो ये मुहासबे का दिन है और मुहासबा होना चाहिए, बहरहाल बेहतर बचना ही है इससे। अच्छा, मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन इसके अंदर मेरे जहन में एक और बात आ गई जो आजकल इसकी एक दूसरी शक्ल निकाली गई है मुफ्ती साहब, कि वो क्या करते हैं बच्चे को उस दिन कुछ, जैसे इन्होंने कहा नफिर केक वगैरह तो नहीं काटते, मैंने कुछ फैमिलीज देखा उन्होंने एक शक्ल ही निकाली, कुछ बच्चे से सदका खैरात या कुछ इस तरह के करा दिया उस दिन, ख़ास तौर से उसी दिन में, और गरीबों को खाना वाना खिलवा दिया या नमाज वगैरह दौरा। तो ये इस शक्ल में, हालांकि कि मतलब मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि अगर उसको इस रूप में दे दिया तो क्या जायज़ हो जाएगा इस तरह से। देखिए असल बात यह है आरिफ भाई, हमने ये देखा है, हजरत तो हमसे ज़्यादा तजर्बेकार हैं, कोई भी जब काम शुरू होता बज़ाहिर बहुत अच्छा होता, इब्तिदान बहुत अच्छे और अच्छी नीयत से शुरू किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे आगे चल के फिर वो इतनी अजीब रस्म बन जाती है कि वो हकीकत ख़त्म हो जाती है और वो चीज़ बन जाती है। वो अल्लामा इकबाल ने कहा है, था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ, जिसके गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। जी जी जी। तो जो काम एक नेक नियति से शुरू किया गया वह पाबंदी ही गलत है। तारीख की खसूसियत जो है, असल रूह जो है इस पूरे बर्थडे वगैरह की, वो ये है कि तारीख को याद रखना है। तो ज़रूरत क्या है, सही बात है, जब पैदा हुआ था उस वक्त तो अकीका किया या नहीं किया इसी का तो ख्याल नहीं है, लेकिन बर्थडे जो है हर साल वो एक केक काटा जा रहा, बकरा एक नहीं काटा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अच्छा, वो कह रहे हैं खैर एक आगे उनका भांजा है, उनको किडनी की दोनों फेलियर हो गई किडनी, अब उसमें भांजी उनकी किडनी दे रही है। हाँ तो, देखिए इसमें असल तो ये है, असल मसला तो ये है कि किसी को कोई आज़ू देना जायज़ ही नहीं है, असल जो मसला है। तो इस पर फजीलत तो क्या बयान की जाएगी, फजीलत का तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन इंसान की जान बचाना ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और बहुत सारे चीज़ जान बचाने के लिए जायज़ हो जाती हैं कि जो नाजायज़ होती हैं, तो जान बचाने के लिए मिसाल के तौर पर एक आदमी भूख से मर रहा है, कुछ नहीं है उसके पास, तो खिंजीर खाना भी उसके लिए जायज़ हो जाता है। तो बस ये है कि जवाज़ है कि अगर कुछ इस तरह की जान जा रही है, उसकी जान बचाने के लिए अगर किडनी दी जा रही है, तो इसका जवाज़ की हद तक तो हो सकता है, लेकिन हम इसके बाकायदा फ़ज़ाइल बयान करें तो ये हमें कहीं नहीं मिलता। लेकिन ये है कि किसी की जान बचाना, जब किसी अल्लाह की मखलूक के साथ रहम करना और किसी के साथ हमदर्दी करना अल्लाह को इतना पसंद है और उस पर अल्लाह तबारक व ताला इतना अजर देता है, तो इस पर भी किसी की जान बचाना है तो इंशाअल्लाह एक जान को बचाने का जो है सवाब मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, लेकिन कोई खुसूसी फजीलत या मिकदार या ये चीज़ बयान करें तो ये चीज़ नहीं। खदीजा साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि जो लोग हमारे यहाँ जैसे छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे कि मजदूर हैं या घर पे काम करने वाले लोग होते हैं, ऐसे
वगैरह वगैरह, तो अब इनके पास से 50,000 रुपए तक नहीं होते हैं जिनपे साल गुजर जाए, तो ये लोग साहिब निसाब तो होते नहीं है, तो क्या इन्हें ज़कात पैसा हम दे सकते हैं? दूसरा, अगर इस तरह के लोग की आमदनी इतनी होती है कि इनका गुजारा आराम से चल रहा होता है, तो वो अपने आप को जरूरतमंद नहीं समझते हैं, तो इन्हें ये पैसा हम कैसे दे ताकि इन्हें एहसास कमजोरी ना हो? ठीक है, रियाज साहब फरमाइए, आपका क्या सवाल है आपका? रियाज साहब लाइन पर हैं आप? रियाज साहब मेरी आवाज मिल रही है तो सवाल बयान कीजिए। हेलो, हाँ जी फरमाइए। हाँ मैं रियाज बोलता हूँ। जी जी फरमाइए रियाज साहब, क्या सवाल है आपका? हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ मेरा सवाल ये है कि मैंने एक गलती बनाई है। हेलो, हाँ हाँ आप अपनी बात जारी रखिए। मेरी एक कश्ती है जी, समंदर में चल जाएगी। कश्ती बना ली आपने, समंदर में चला दी, अब क्या करना चाह रहे हैं? टीवी क्या बंद कीजिए। कश्ती मेरी 3 साल में बनती है जी, तो इसमें मैंने पूरे घर के सारे पैसे और घर भी बेच के उसमें का पैसे डाल दिए, और औरतों के सब सोना भी बेच के उसमें डाल दिया है। और वो कश्ती, कश्ती जब बनती है तो हम लोग को वो एजेंट आता है कि भाई तुम हमको कश्ती हमारे साथ में चलाओ। हमने एक मुस्लिम है अबू बकर करके, उसके साथ में हमने एग्रीमेंट किया कि भाई हम तुम्हारी कश्ती को हम चलाएंगे, यहाँ से माल भर के भेजेंगे गल्फ में, और वहां से खजूर भर के गुजरात में भेजेंगे। तो आदमी हमको इतना तरसाता है कि हमने उसमें 10,000 डाल दिया है, और वो अभी तक मेरा काम पूरा नहीं करता है, और हम बहुत इतना परेशान हो गया है कि हमारे घर में एक भी पैसा नहीं है। हमने दुबई से जकात का पैसा मंगा के घर अभी चलाया है, इससे हमारी हालत हो गई है। उसके लिए हमारे लिए दुआ करा दो, और उसके लिए हमको कुरान में कौन सी आयत पढ़नी ताकि हमारा ये मसला हल हो जाए। ठीक है ठीक है मौलाना साहब, वो खदीजा साहिबा कह रही हैं उसके लिए कि जो मजदूर हैं इनको 50,000 रुपये तो नहीं होते, तो ये ज़कात के मुस्तहिक होते हैं? देखिए ये बात बहुत अच्छी पूछी है उन्होंने। सही बात यह है कि कोई आदमी अगर काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़कात ले नहीं सकता। वो काम भी कर रहा है लेकिन काम से उसके बकदरे ज़रूरत आमदनी नहीं हो रही है, उसको दे सकते हैं आप। और एक बात उन्होंने बहुत अच्छी पूछी कि एहसास कमतरी ना हो उसको, तो उसका तरीका यह है कि आप ईद के आसपास उनको ईदी कह के दे दीजिए, जो उसकी मजदूरी है वो तो उसे पूरी दीजिए, और उसके बाद ये कहिए कि ये 5,000 रुपये आपकी ईदी है, आप अपने घर में कुछ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको एहसास कमतरी नहीं होगा, ईदी तो लोग देते ही हैं, तो ईदी कह के दे दीजिए। कुछ गिफ्ट आप कहीं से आए हैं और आप कह रहे हैं कि हम बहुत सारे अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ तोहफा लाए थे, आपके लिए कपड़ा लेके आए हैं, आपने 500 रुपये 1,000 रुपये का कपड़ा उसे दे दिया जो उसके काम आ जाएगा, ज़कात की नियत कर ली आपने, और उससे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे गिफ्ट कह के तोहफा कह के ईदी कह के दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। सही बात है, जो इस तरह के जिनको ज़रूरत भी होती है, इस तरह के लोग जो होते हैं जिनका रोज़मर्रा खर्चा चल जाता तो कभी हाथ नहीं फैलाते। जी हाथ नहीं फैलाते, लेकिन उसकी कदर करनी चाहिए हमें कि वो हाथ नहीं फैलाएंगे लेकिन ज़रूरतमंद हैं, हम उनकी मदद करनी चाहिए। जी हाँ, और ज़कात कह करके देना तो ज़रूरत ही नहीं इसकी कहने की। जी मुझसे कश्ती का मसला उनका, देखिए असल तो यह है कि अपने उसमें भी गौर करें कि अल्लाह ताला ने ऐसी रुकावट क्यों पैदा कर रखी है। नमाज़ों की पाबंदी रखें, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वअतूबु इलैह, जो भी इस्तिग़फ़ार हो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और एक अमल ख़ुसूसी तौर पर कर लें नमाज की पाबंदी के साथ कि सुबह फजर की नमाज में सुन्नतों और फ़र्ज़ों के बीच में 41 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह की मीम को अलहम्दु के नाम में मिलाकर पढ़ें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اس طریقے سے ورد الضالین آمین تک پوری سورہ فاتحہ 41 مرتبہ سنت پڑھنے کے بعد فرض پڑھنے سے پہلے فجر میں یہ پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، روزانہ یہ کریں، اللہ آپ کا رکا ہوا پیسہ دلوا دے گا انشاءاللہ تعالی، اور صدقہ ضرور دیں، استغفار ضرور کریں خود۔ فرزانہ اور شبانہ دو کون ہیں؟ فرزانہ صاحبہ فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی صاحب، تو میری دو سوال ہیں۔ جی صاحب، سوال یہ ہے، جیسے ہم گھر سے نکلتے ہیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو آپ ہمیں یہ بتائیے جب ہم واپس کی طرف آئیں تو کون سا دعا پڑھیں؟
और दूसरा सवाल ये है मुफ्ती साहब, अगर किसी को भी जैसे बहुत ज्यादा झगड़ा होता हो तो उस टाइम पे क्या पढ़ना चाहिए मुफ्ती साहब, जो उसमें रहम अल्लाह ताला कर दे झगड़े के वक्त? ठीक है, शवाना साहब फरमाइए क्या सवाल है आपका मुफ्ती साहब। देखिए झगड़े के वक्त बस अल्लाह से दुआ मांगे, अगर उनमें आपस में झगड़ा हो रहा है सुलह कराने की कोशिश करें, अगर सुलह ना हो सके तो बहरहाल अल्लाह से दुआ करें उनके हिदायत के लिए कि अल्लाह ताला इनमें सुलह करा दे और इनके झगड़े को दूर फरमा दे। अपनी जो कोशिश कर सकते हैं वो करें, बाकी अल्लाह से दुआ करें। सुलह करने की बात नहीं, कहते हैं पढ़ के फूंक दें जब दोनों अलग हो जाए पढ़ के फूंकने से अल्लाह पढ़ना भी मुफीद है जी, अल्लाह अल्लाह। अच्छा ये चीज़ वहाँ पे जो उनमें सऊदी वगैरह जो होते हैं वो गल्फ वाले होते हैं, ये उनके दो कितने ही आपस में लड़ रहे हों, एक दूसरे खून के प्यासे हों, जहाँ आपने कह दिया कि भाई कम से कम के अल्लाह के लिए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अलग हो जाओ, वो ऐसा मोहम्मद कहते हैं हाँ तो झगड़ा ख़त्म हो जाता, वो ही समझ लिया ऐसा हो जाता है जैसे किसी ने पानी डाल दिया उनके ऊपर, ये उनकी एक अहमियत वक्त वो समझते हैं चीज़ों को, हमारे यहाँ तो हमारे तरह से किसी ने कह दिया तो वही शुरू हो जाएगा। और अच्छा दूसरा एक और था इनका मान साहब, वापसी की दुआ क्या होगी जब घर से निकलते वक्त, तो पढ़ दी दुआ? देखिए उसके लिए हदीस शरीफ में एक दुआ आती है, आइबूना ताइबूना आबिदूना लिरब्बिना हामिदून, और ये आयत याद ना हो तो अल्लाह तेरा शुक्र ये कह दीजिए, इसलिए कि खैर आफियत से आदमी अपना सफ़र वापस पूरा करके घर वापस पहुँच जाए, ये अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब होता है इसमें। अब उसके लिए अगर वो दुआ याद है, हदीस शरीफ में दुआ आती है आइबूना ताइबूना आबिदूना लिरब्बिना हामिदून, अगर ये याद ना हो तो अल्लाह तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह लीजिए, अल्लाह खैर आफियत से हम अपने घर आ गए जी। गुलाम हुसैन साहब और गौसिया दो कॉलर, गुलाम हुसैन साहब फरमाएं क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कोई बेनमाजी आदमी है वो नमाज पढ़ते नहीं है 11 महीने भी, और ये 20 दिन भी नमाज नहीं पढ़े, और एहतिकाफ में बैठने के लिए दौड़ धाम करके एकदम बड़ी टोपी लगा के आ गए हम एहतिकाफ में बैठेंगे, तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो एक मिनट रुकिए, जो एतकाफ में जब वो आ रहा है एतकाफ में बैठने के लिए, रोजा रखेगा और नमाज पढ़ेगा कम से कम मस्जिद में बैठ के, ये तो रोजा तो रखेगा वो, ये 10 दिन कर लेगा। चलिए वो तो इसके बारे में बताएंगे मुफ्ती साहब, मौलाना साहब बताएंगे। दूसरा सवाल बताइए आप। दूसरा ये है कि जैसे मान ले चार पाँच देते हैं जो नॉन मुस्लिम है, उनका कारोबार जैसे समझ लो ये इंटरेस्ट का ब्याज का कुछ भी है नॉन मुस्लिम है, वो इफ्तार के लिए बुलाते हैं कि भाई आप हमारे वहाँ इफ्तार करने आओ, तो अभी उनके वहाँ क्या करें, जाना भी जरूरी होता है और वो कौम की वजह से बड़े भी है मोहल्ले में वो हिसाब से, तो इफ्तार करने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? दूसरी बात ये है कि जैसे मान लो कि ये सैयद दादा उनके वहाँ गाड़ी भी है टूरिस्ट पे चलती है, और वो जगात मांगते हैं कपड़ा मांगते हैं कि भाई हमको पैसा दो, तो वो सही ज्यादा है मांगने आ जाते हैं, तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दूसरा नाबिना ये क्या बोलते हैं हाफिज इमाम को जगात देना चाहिए कि दो इमामत कर? ठीक है ठीक है, आपके सवाल नोट कर लिए मैंने। गौसिया साहिबा फरमाई क्या सवाल है आपका। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ए रमजान के रोजे के बाद कल शव्वाल के महीने में के रोजे हर साल मैं रखती हूँ, लेकिन रखना जरूरी है क्या? थोड़े लोग नहीं रखते, रखना फर्ज है क्या? ठीक है ठीक है। हाँ जी वहाँ साहब, एतकाफ 20 दिन तक उसने ना नमाज पढ़ी ना रोज़ा रखा, वो 10 दिन के लिए आखिरी मस्जिद में टोपी ओपी लगा करके आ गया है, तो उसको क्या करेंगे? नहीं ये तो कोई मसला नहीं है, या तो मुस्तकिल पढ़ता है, अब शुरू कर रहा है तो अब शुरू नहीं करने देंगे हम तुझे नमाज ये तो कोई हक नहीं पहुँचता हमें। एक आदमी को अल्लाह ताला ने अब तौफीक दे दी, 10-20 दिन रोजे नहीं रखे नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन अब अगर उसे अल्लाह ने तौफीक दिया तो मैं और आप कौन रोकने वाले होते हैं, पढ़ने दीजिए उसको करने दीजिए। हमारे यहाँ का क्या मालूम इसी एतिकाफ की बरकत से अल्लाह उसे अल्लाह ताला उसे मुस्तकिल नमाजी बना दे, तो हमारा उसूल ये थोड़ी हमको दावत थोड़ी देते हैं। हमारे यहाँ तो एक ये होता है ना, कोई आदमी ने काम करने चलता ना बुरा बुरे की तरफ से अच्छाई तरफ आता है, तो हम उसे कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हंसी चली, उसे वैसे नहीं आने देते, वो आता भी होगा तो भी नहीं आने देगा। अच्छी बात नहीं, हौसला अफजाई करनी चाहिए ऐसे आदमी की। अब गैर मुस्लिम का इफ्तार का मसला है जी। देखिए जायज़ है, कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि ये जो इस्लाम के अहकाम हैं तमाम के तमाम ये ईमान वालों के लिए हैं खसूसी तौर पर, बाकी उनके लिए तो ये सूद का मामला भी ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ तिजारत, तो उनकी तरफ से अगर कोई इस तरह का मामला है तो कोई हरज नहीं, लेकिन मुसलमान अगर कोई भी इस तरह का अमल करता है तो उससे कनारा कश होना और उसके साथ शामिल ना होना ज़रूरी है।
लेकिन अगर गैर मुस्लिम कोई कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके यहाँ इफ्तार कर सकते हैं जी। एक मुझसे उन्होंने कहा सैयद ज़्यादा कुछ ज़कात मांग रहा तो देखिए, बस मैं ये कहूँगा कि सैयद ज़्यादा अगर वो है तो आप उसे किसी तरह से झिड़कें या डांटें तो नहीं, बहरहाल प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश करें कि आपका ये अमल दुरुस्त नहीं है, और जो भी आपको बन पड़ता है इमदाद से मदद कर दें, ज़कात से उनकी मदद ना करें। मौलाना साहब, शवाल के रोज़ों के ताल्लुक से उन्होंने सवाल किया, शवाल के रोज़े जो हैं फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, इन्होंने शायद ये कहा कि वो ज़रूरी है या ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है लेकिन बहुत सवाब है उसका। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोज़े रखता है तो रमज़ान के रोज़ों के साथ उनको मिला के ऐसा हो जाता है जैसे पूरे साल उसने रोज़े रखे, इसलिए हर अमल का सवाब जो है 10 गुना होता है। जी जी, तो ये रोज़े और रमज़ान के रोज़े 10 गुने किए जाए तो पूरा साल बन जाता है, इसलिए ज़रूर रखने चाहिए लेकिन फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, बहुत सवाब है। अच्छा, ये पूरे महीने कभी रख सकते हैं? हमारे यहाँ तो रख सकते हैं, हमारे यहाँ जो रिवाज है इनके बारे में भी कि बस सब लगातार ही रख लेते हैं। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं, ईद मनानी होती है। हाँ, उसके बाद फिर एक और ईद मनाई जाती है। हाँ, ज़ोरा साहिबा फरमाइए, क्या सवाल आपका? ज़ोरा साहिबा लाइन पर है, सवाल बयान कीजिए। छोटे बच्चों में नमाज कैसे फर्ज होती है? छोटे बच्चे में नमाज कैसे फर्ज होती है? हाँ। कितना छोटा बच्चा? मैं 10 साल की हूँ। 10 साल की है, 10 साल की बच्ची। मुफ्ती साहब बताइए। देखिए बेटा, आपको नमाज पढ़नी चाहिए, फर्ज तो वैसे बालिग होने के बाद तो मुस्तकिल तौर पर हो जाती है, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि 7 साल के बच्चे को नमाज का हुक्म करो और 9 साल के बच्चे को नमाज ना पढ़ने पर तंबीह करो, मारने का हुक्म है। तो आप तो 10 साल के हो तो आपके लिए तो लाजिम है कि आप अभी से नमाज़ पढ़ें, अभी से अगर आपको आदत होगी और आप नमाज सही ढंग से सीख लेंगे तो आगे भी आसान होगा, और अभी से अगर सुस्ती आने लगी तो फिर आगे जब बालिग हो जाओगे नमाज़ पढ़ना मुश्किल होगा, तो उस वक्त फिर पकड़ होगी, अल्लाह की आदाब का मामला बनेगा। तो इसलिए अभी से आप जो है नमाज पढ़ा करें, 10 साल के बच्चे को तो 5 वक्त की नमाज़ बाकायदगी से पढ़नी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। नाज़िम प्रोग्राम में वक्त दुआ है, आप सभी से इल्तमास है बारगाह इलाही में दस्त दराज कीजिए, मौलाना साहब दुआ फरमाएंगे। जी मौलाना साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लम तस्लीमा। ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا ربنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على النبي الكريم اله العالمين ہم سب کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے اله العالمين رمضان المبارک کی خیرات و برکات سے ہم سب کو مستفید فرما اله العالمين یہ اخر عشرہ چل رہا ہے تیری رحمت کا فیضان عام ہو رہا ہے ہم سب کو اپنی رحمت سے نواز دے رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو نواز دے اله العالمين جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں جو بہن اور بھائی اعتکاف میں لگے ہوئے ہیں ان کی عبادتوں کو قبول فرما اور ان کو اپنی طرف توجہ مستقل بنا دے سال بھر کے لیے ہم سب کو الہ العالمین جو شوق اور ذوق رمضان المبارک میں عبادت کا ہمیں ہوتا ہے یہ شوق ہمیں پورے سال عطا فرما جنہوں نے زکاتیں ادا کی ہیں ان کو بھرپور ان کو قبول فرما اور جنہوں نے صدقہ فطر دیے ہیں ان کو بھی قبول فرما اور جن لوگوں سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کو پوری طرح سے اپنے فرائض کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین جو بہن اور بھائی اس وقت تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور تیرے سامنے دعا میں شریک ہیں پروردگار ان سب کی دلی تمناؤں آرزوؤں کو حاجتوں کو تو ان سے زیادہ خود جاننے والا ہے سب کی جائز تمنائیں مرادیں اپنے کرم سے پوری فرما دے ہر مشکل آسان فرما دے وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ دونوں صاحبان کا میرے اور تمام تر ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے اور اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے تہ دل سے شکریہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ ناظرین، وقت ہو آپ سے اجازت لینے کا، لیکن آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک بار پھر جو میرے ساتھ رکھے ہوئے پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو جانکاری دے دوں۔ تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں
और हमदर्द का आपके लिए पूरा ख़जाना लेकर के आया। रूह अफजा से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। अब हमदर्द ने रूह अफजा की जिस तरह से मकबूलियत है उसको देखते हुए और ख़ास तौर से डायबिटिक पेशेंट हैं उनका ख्याल करते हुए अब रूह अफजा को शुगर फ्री भी लॉन्च किया है। साथ में दो स्क्वैश हैं यहाँ पर, लेमन और ऑरेंज, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और मशरूबात अलग अलग फ्लेवर में, शरबत खस, शरबत संदल और शरबत गुलाब भी यहाँ मौजूद है, शरबत शीरी भी मौजूद है। तो ये अलग अलग फ्लेवर में इनका भी मज़ा ले सकते हैं आप। साथ में रेड रश, ये एक एनर्जी ड्रिंक है, नारियल पानी रखा हुआ आप मेरे साथ देख रहे हैं यहाँ पर इनके साथ, तो इसका भी आप मज़ा ले सकते हैं। कुछ और यहाँ पर जो रूह अफजा के फ्यूजन है वो टाटा पैक के अंदर लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि लीची, मैंगो, साथ में लस्सी और मिल्क शेक भी आप रखा हुआ देख सकते हैं। ये ग्लूकोज डी भी मौजूद है फौरी तवानाई के लिए, दो फ्लेवर में, एक रेगुलर और एक ऑरेंज, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। साथ में ये सब गोल है, इसकी फायदे से आप लोग वाकिफ ही हैं। केसर यानी कि ज़ाफ़रान, ये किचन का आइटम है कुछ, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हींग रखा हुआ आप देख रहे हैं, और साथ में मस्टर्ड ऑयल है, जिसकी बगैर किचन आपका अधूरा रहेगा, तो इसकी एक अहम ज़रूरत है मस्टर्ड ऑयल जो है किचन की। साथ में कुछ मसाले हैं यहाँ पर, अजवाइन, हल्दी, धनिया मिर्च, सिया मिर्च, ये खालिस स्पाइसीज़ हैं। सेवें भी रखी हुई आप देख रहे हैं, तो इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद का खाना सुन्नत है, तो शहद भी आपके लिए, तो हमदर्द आपके लिए पूरा ख़जाना लेकर आया मौसम गर्मा के लिए, जहाँ तरह तरह के फ्लेवर हैं वहीं पूरे किचन का भी आपके इंतज़ाम किया है। तो इनका फ़ायदा उठाइए और मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस प्रोग्राम इज़ प्रेजेंटेड बाय हमदर्द, रेड ब्रश एंड खालिस स्पाइसेस।